गाइस स्कूटी तो हम थोड़ी बहुत सही गाइस, उसमें थोड़ा स्क्रैच वगैरह आया है और जो सिवाय गाइस उसके लग चुकी है चोट पैर पर। तो सिवा की लगी चोट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस टाइमिंग हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 11 और फाइनली गाइस जो था कि तो गाइस मैं 9 बजे गया था पर यहां पर आया था कुछ सोसाइटी की तरफ क्योंकि जो गाइस जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग कर रहे थे अपना शूट। और गाइस जो है कि मैं बता रहा था कि कल उनको गई पूरे 50,000 कंप्लीट और जो है कि वो आज यहाँ पे आए तो मैंने कुछ शूट करने तो मैं उनके साथ आ चुका था तो फिलहाल चलते हैं उनके पास। और देखते हैं गाइस सुबह के टाइम पे यहाँ पे गाइस थोड़े बहुत लोग टहलते भी हैं और धूप भी बहुत बढ़िया यानी कि मौसम। और गाइस आज मेरी बात ये है कि कल बिल्कुल भी फॉग नहीं था और आज भी बिल्कुल फॉग नहीं था पर रात को बहुत ज़्यादा ठंड भी लगा, आज सुबह फॉग हुआ पर यहाँ पर फॉग बिल्कुल भी नहीं था। और देखते हैं गाइस मौसम बढ़िया है। और गाइस वो लोग सामने आप देख सकते हैं वो लोग वहाँ पे अपना शूट कर रहे हैं, सामने जो स्कूटी आपको दिखाई देगी। तो गाइस उधर ही चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। छोटा सा एक्सीडेंट क्योंकि ये लोग कर रहे थे अपना शूट तो इनकी जो ये बाइक चला रहा था स्कूटी तो इनसे क्या हुआ कि आगे की ब्रेक दबा दी इन्होंने और तभी पोपट हो गया और ये क्या है जो शिवाय गाइस उसके लगी चोट। फिलहाल देखते हैं गाइस स्कूटी तो हम थोड़ी बहुत सही गाइस, उसमें थोड़ा स्क्रैच वगैरह आया है और जो शिवाय गाइस उसके लग चुकी है चोट पैर पर। थोड़ी कच्ची रोड है क्योंकि पहले का ये रोड अच्छी थी पर यहाँ पर कुछ जो है की ट्रक वगैरह आते थे जिससे जो है ये रोड बेकार हो चुकी थी। और गाइस ये लोग आए थे अपनी एक तो ये तीन लोग तो आए थे स्कूटी से और एक सेवा और मैं आया था साइकिल से। तो देख सकते हैं गाइस इसकी साइकिल यहाँ खड़ी हुई है। तो फिलहाल गाइस जो शूट तो हो चुका है, अभी लोग जा रहे हैं अपने घर और मैं और समझा रहे हैं साइकिल है कि वहाँ से तो हम चल देते हैं और आ चुके हैं आधे रास्ते। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ के फूल आप देख रहे होंगे, गाइस ये पीले वाले फूल होते हैं यहाँ पर। और गाइस जैसे हम लोग जा रहे हैं ये समझा रहा था साइकिल में जा रहा था पैदल, बढ़िया लग रहा था गाइस, लग रहा बढ़िया चलने में। जो है सामने एक गार्डन है घूमने वाला जिसमें अभी आधे तक लोग बैठे भी पहले जो है गए घर पे तो आ चुके हैं और चलते हैं फिलहाल अंदर जो है एंड आ गया था के अंदर। और जो फिलहाल जो मम्मी गाइस यहाँ बैठी हुई थी और हमारी सैंकी गाइस वो थक गई चुकी थी, ऊपर ऊपर थी गाइस बहुत ज़्यादा खेल रही थी इसलिए थक चुकी थी, अभी सो रही है। और हमारे जो फिलहाल जो कैमरे चल रहे हैं जो है कि कुछ गेस्ट आए थे बाहर से तो ऊपर वो अपना बैठे हुए हैं कैमरे में दिखा रहे हैं हमको। जो है मैं किचन के अंदर आ चुका हूँ और अपना खाना लेने के लिए अपना खाना रेडी हो चुका है। खाने में गाइस है रोटी एंड कद्दू की सब्जी। तो फिलहाल गाइस जो है खाना एंड जो गाइस फोटो लेके थे क्लिक करने की तो वो आज वो भैया आए थे गाँव से तो वो कुछ क्लिक करेंगे। तो फिलहाल तो गाइस जो मैं खाना खाता हूँ फिर फिलहाल बाद में बात। तो जो है गाइस की खाना तो मैंने खा लिया था। और गाइस जो है कि आज जो मैं बताने वाला था कि हमारी शादी से पहले ही हमने जो फोटो क्लिक होते हैं हम लोगों के वो नहीं हो पाए थे तो गाँव से भैया आ गए थे फोटो क्लिक करने के लिए। तो फिलहाल जो है कि मैं रेडी हो गया था उन्हीं कपड़ों में शादी वाले के दिन और सोम भी हो चुका है, सोम भी स्कूल से आ चुका है। और जो है कि टाइमिंग हो चुकी है सब बच्चों में दोपहर की 3 और फिलहाल जो है कि फोटो क्लिक करने वाले तो बस फिलहाल मैं मेरी तैयार हो चुका हूँ। तो फिलहाल डबल रूम में आ चुका हूँ और जो है कि फिलहाल जो भाई तैयार हो चुकी है अपने लहंगे में और एक किरण का लहंगा रखा हुआ है, वह सामान देखने बहुत सारा पड़ा हुआ है। शोम में तैयार होकर आ चुका है और देखते हैं शोम ने अपना जो कोट है वो पहन रखा है अपना कहने वगैरह तो जो पहना रहे थे वो लोग एंड भाभी और शाम भी तैयार हो चुका ढक चुकी और सेंगी हमारी साइड में सो रही थी जो सामान भी आता है यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिलहाल गाइस जो अंदर आ चुके हैं और कैमरा भी अपना तैयार हो चुका है और इससे तो फोटोशूट होंगे उससे वीडियो। तो ये कैमरा है तो गाइस जो है कि मैंने जो अपने कपड़े तो फिलहाल चेंज कर लिया था, फोटोग्राफी भी हो चुकी थी गाइस, सारी फोटोग्राफी जो बजने थी वो वीडियो भी करना था वो सब कुछ हो चुका था और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिया और जो कपड़े थे गाइस हमने यहाँ रख दिए, अभी इसकी इस्त्री रख के सीधे उनको रख देंगे अलमारी में। और फिलहाल भी जो है मम्मी ने भी कपड़े पहने थे वो भी चेंज कर लिए मम्मी ने भी और फिलहाल जो है मेरे कपड़ों को कुछ जले कमरे में तो गाइस मेरे को मतलब बेल्ट की जरूरत थी बहुत ज्यादा तो वो मेरे को मिली नहीं थी। और गाइस कहता कि मैंने उस दिन अपने कपड़े उतारे थे मतलब जिसमें चेंज किया था तो बेल्ट मैंने गाइस इसके यहाँ रख दी थी और वो यहीं पे मिलती गाइस मेरे को, इसलिए मैंने अपनी खुद की बेल्ट यहीं से चेंज की थी वहीं पर अपनी लगा ली थी। फिर मैंने अपनी खुद की फोटो टेस्ट कराई थी फिर यहाँ से चले गए थे भैया, अब भैया भी जा चुके थे गाइस और टाइमिंग हो चुकी है बच्चों के 4 जो है कि मैं रूम में आ चुका हूँ। और देख सकते हैं बेड पर सारा कुछ सामान जो फैला हुआ है सामान को देते हैं तब उसकी जगह पे रख देते हैं। फिर जो है कि गाइस चलते हैं बाहर एंड देखना है सारा सामान जो फैला हुआ है जो भी टिप्स वगैरह रहती भाभी वगैरह सारा कुछ और सारा सामान जो है उसमें अलवारी में रख रहे हैं सारा। टॉक्सी भी आ चुकी है सामान को बेकार करने के लिए एंड बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी गाइस और अपने कैमरे भी गाइस सही चल रहे हैं।
जो पापा भी अपने कपड़ों को सही कपड़े जो मतलब गड़बड़ा के रख रहे हैं गाइस। जो कि मैंने कहा था कि आज मेरा प्लान था कि केस मैं कि भर जाऊंगा इस मेरा मतलब तो क्या देगी गाइस मैं जाने पाए क्योंकि आज एक भैया थे जो फोर्ट टिप्स के जो मैंने शादी की रख दी गाइस वो ले रहे हमें थे और वो भैया अब जा चुके हैं गाइस क्योंकि उनको मतलब किसी यहाँ से फोन आया था तो उनको भी किसी और के लिए नहीं इसलिए भैया भी जा चुके थे और फिलहाल मैं जा रहा वहाँ पर जो है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अब मैं रात को यहाँ तो रात को बहुत लेट आऊँगा यहाँ मतलब घूम घूम खाऊ के तो अभी नहीं जा रहा जो फिलहाल जो मौसम है सब तो फिलहाल मौसम हो चुका है ठीक ठाक तो फिलहाल गाइस चलते हैं अंदर जो है कि रूम तो हो रहा है फ्रेंड तो कहते हैं इस टाइम होता है पूरा 4:15 हो चुका है और जो इस टाइम गाइस थोड़ा भाग भी जाऊँ थोड़ा गाइस में थोड़ा घूमने भर जाऊँगा तो थोड़ी देर में सो भी लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गया था तो इसलिए गाइस फिलहाल गाइस जो है कि मैं सोकर उठ गया था और टाइमिंग हो चुका है सब बच्चों के शाम के साथ और कहते हैं फाइनली कहते हैं कि थोड़ी ठंडी हो चुका है और अंधेरा हो चुका है पूरे बाहर तो मैं तो अपने फिलहाल जो रूम में भी सो ही रहा था सब जम चुका था अभी और जो है कि फिलहाल जो है कि रॉक्सी का मैंने फिलहाल रिप्लेस कर दिया था इधर तो गाइस सब सोच रहे बाहर सो रहा हूँ बाहर सो रहा है क्योंकि फिलहाल मैं अंदर ही सोऊंगा और जो है बस थोड़ा यहाँ पर नींद लगी गई मेरे को इसलिए मैं यहीं सो गया था और पापा यहाँ का सामान था पापा जहाँ छोड़ गए थे तो फिलहाल गाइस जो है कि छत पर चलते हैं छत पर देखते हैं क्या है कुछ मतलब कुछ कपड़ा वगैरह नहीं रखा हुआ छत पर सूखा हुआ फिर उसको लेके आते हैं नीचे एंड फ्लैश चलते हैं ऊपर ही और जो मैंने बताया भैया जो आए थे वो फोटो अपने क्लिक करके सब कुछ ले गए थे और जो डॉक्यूमेंट वो बताने वाले भैया ने हमको डेट दे दी है जिस दिन वीडियो और एल्बम आएगी तो वाइज वो 8 या 9 दिन बाद ही आएगी तो जिस दिन आएगी सब पक्का देखेंगे हम फ्लैश चलते हैं ऊपर जो है छत पर आ चुका हूँ और आप मौसम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब कोहरा हो चुकी है इस बस हल्की हल्की जो है बहुत ठंडी हवा चलने लग रही है क्योंकि अब टेम्परेचर चल चुका है रात का 12 डिग्री सेल्सियस और बहुत हल्की हल्की हवा चलने लग रही है गाइस तो गाइस इस टाइम जो है कि बहुत मतलब ठंड भी लगने लग रही है मेरे को और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रात हो रखी है एक आध घर में लाइट है ऐसे तो गाइस जो है कि मैं आया था कुछ काम से ज़्यादा कुछ नहीं बस जो कपड़े थे छत पर वो लेने आया था सारे कपड़े जो है कि भाभी भी फिलहाल ले चुकी थी जा चुकी थी नीचे लेके और कि कुछ एक भी कपड़ा नीचे ऊपर और सब कुछ जा चुका है घर पर और गाइस जो है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उन्हें फिलहाल चलते हैं ऐसे नीचे जो मैं आ चुका हूँ अंदर वाले रूम में और जो है कि फिलहाल तो देख सकते हैं मैं अपने जो कैमरे गाइस वो चल रहे थे और गाइस देख सकते हैं मैं भी छत पर गया था गाइस ऊपर तो गाइस बहुत ठंडा हुआ अंधेरा हो रखा है और कैमरे में कुछ ऐसा दिख रहा है तो जो है कैमरे से ये फायदा होता है कि मैं अंदर सब कुछ देख लेता हूँ बाहर का कुछ भी सीन हो जाता है और जो इधर जो अभी फिलहाल सेंगी गाइस वो सो रही है बहुत देर से सो रही थी गाइस ये कहीं भी थक जाती है इसलिए उनको ये अपने आप आते हैं अपने आप ही बैठ के सो जाती है फिलहाल चलता है बाहर तो मम्मी कर रही है फिलहाल डिनर एंड चलते हैं अपना डिनर लेने जो अपना खाना रेडी चुका है खाने में गाइस है पीली सब्जी एंड चावल बस आज का यही ब्लॉग था कि घर का ही ब्लॉग था और थोड़ा बाहर जाना था भाई फ्रेंड्स हो रहा था मम्मी जाने नहीं दिया था मेरे को सोचा था कि बाहर जाऊँ और कुछ सोसाइटी के फोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो वहाँ नहीं हो पाया था बस आज का ही ब्लॉग था बस कल के नए ब्लॉग में कुछ स्पेशल करेंगे या गेस्ट करना क्या करें तो फिलहाल तो वैस करता हूँ इस ब्लॉग का एंड आई होप आज का ब्लॉग बहुत चला हुआ और चैनल पर नए फीचर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय. Memories of a town I love.